हमने यहाँ बुलाया केवल चार लोगों को, कोई बता सकता है? अब आप ही बुलाए हो तो आप ही जानो। नहीं पता तो चुप बैठो, सामने प्रिंसिपल बैठा है, कोई असर नहीं है, हंसे पड़े यार। तुम हमारे सामने बोले मत करो, तुम्हारे मुंह से आती है बदबू बड़ी तेज। रुमाल लगा के बैठा करो, बता दिया? हाँ तो हम कह रहे थे हमने यहाँ क्यों बुलाया है, हमने यहाँ इसलिए बुलाया है जी। बोलो, बात पूछे? बोलो, आपने हमें यहाँ किस लिए बुलाया है? बच्चों की लगातार शिकायतें आ रही हैं आप लोगों के खिलाफ। अच्छा अच्छा नहीं, एक शिकायत तो ये है कि टीचर क्लास में आते हैं और सोते हैं। अरे राम राम, यहाँ की बात हो रही है मिश्रा जी? क्या बात रहे सर, हम बात कर रहे हैं? अरे नहीं सर, मेरे कहने का मतलब क्या कह रहे हैं सर? नहीं नहीं बात, अरे नहीं सर, जगते तो हैं क्लास में? नहीं आप बिल्कुल जगते हैं, जगते तो यही है, मगर जब घंटी बजती है तब जगते हैं, वहाँ से उठते हैं दूसरी क्लास में जाते हैं फिर सोते हैं। नहीं सर। क्या नहीं, यही सच है? सही कह रहे हैं, इनका पीरियड जो है तो हमारे पीरियड के बाद आता है। एक बार या तो तुम हंस लो या तो बोल लो। एक बार यंग आते होंगे आते टीने पर से चढ़ने लगे, टीने पर से गिर गए आराम से। तब तो इनकी नींद पूरी हो गई होगी। हेयर्स कहाँ है? सुनाई नहीं देता, हेयर्स कहाँ है? हेयर्स कहाँ है? हेयर्स आइस कहाँ है? और टीथ कहाँ है? सब गलत बता रहा है। आप इंग्लिश के टीचर, आपको इंग्लिश नहीं आती? बॉडी पास तक नहीं आते आपको? आता क्या है? हफना। और तुम सुना है केवल आगे वाले बच्चों को पढ़ाते हो? नहीं तो सर, पढ़ाते तो हैं। मतलब आगे वाले बच्चों को बस पढ़ाने का क्या मतलब? अरे इनकी हाइट छोटी है ना। तो क्या हुआ? तो ये पीछे वाले बच्चों को दिखाई नहीं पड़ते, आगे नागे पढ़ाते और चले जाते हैं। यार खड़े हो जाओ, देखे तो कितनी हाइट छोटी है। खड़े ही तो है। मतलब आप तुम कब से खड़े हो? जब वो बैठते हैं तो खोपड़िया में सर लड़ती। देखो ऐसा है, चाहे तुम टेबल पे खड़े होके पढ़ाओ चाहे मेज पे, लेकिन सबको पढ़ाओ। सर ऐसा कर चुके हैं काम, लेकिन सर बस फिर बच्चे हंसने लगते हैं। अब आप ऐसा कीजिए, आप अपने पैरों के नीचे दो घास बदवा लीजिए तो आपकी इससे आई कड़ी हो जाएगी। क्या बेवकूफी है नीनी, क्या बेवकूफी है नीनी, क्या बेवकूफियत वाली बात करें। अगर कोई आदमी पैर के नीचे बाँफ फोड़वा देगा खड़ा हो पाएगा? डिफ वाला फकर खोपड़ियों ना फोड़वा देगा? अजीब बेवकूफी वाली बात करें, बेवकूफ है क्या? तो ज्यादा बोल रहे हैं, बेवकूफ को बेवकूफ नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे फज्जान? नहीं नहीं, तुम ज्यादा बोल रहे हैं। नहीं क्या कर लेंगे, बहुत कुछ कर लेंगे। करके दिखाइए, यही बताइए। बैठ जाइए, नहीं तो भेज देंगे दोनों को मैदान में। अरे आप इनको समझाइए ना। इनको क्या समझाएं, मेन लड़ाका तो तुम हो। सुना है कल किसी के गार्जियन आए थे, सही सलामत आए थे, लगड़ाते लगड़ाते गए। सुना मार पीट हुई दोनों में, मतलब हद हो गई यार, ये हालत आ गई है हमारे स्कूल की। तुम चारों मक्कारों को नौकरी से निकाला जाएगा, फिर सड़क के किनारे भीख मांगना जाके। ये रबड़ है, ये रबड़ है, ये किसी के पास रबड़ है। अब रबड़ का क्या करना है? बिगाड़ना है। क्या बिगाड़ना है? हमारी जिंदगी तो पहले ही बिगाड़ चुके हो।
गलती दिख रही थी, सोचा बिगाड़ दे, रबड़ नहीं है थूक से बिगाड़ेंगे। क्या थूक से? तुम्हें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, चुप रहो तुम। थूक से बिगाड़ा जाता है? हाँ थूक से, आपके रजिस्टर में मैंने ऐसा ही किया था। पागल तुम, थूक से नहीं बिगाड़ा जाता। गलती से आपके रजिस्टर में आपका नाम लिखना, गलती से मैंने अपना लिख दिया, तो फिर रबड़ नहीं था थूक से बिगाड़ दिया। ठीक, तो इसमें क्या दिक्कत है? आज सारी दुनिया थूक से बिगाड़ती है। सारी दुनिया थूक से बिगाड़ती है तो क्या? क्यों रहा तुम? तो क्या करते रहते पड़ा? थूक से बिगाड़ती है सारी तो क्या? ये भगवान, सर जी लगता है सर जी को थूक से एलर्जी है। ठीक है, अगली बार से नहीं बिगाड़ेंगे। धन्यवाद। बहुत ही अच्छे, एक बार जोरदार तालियां इन बाल कलाकार।